is going to be about speaking, and it's part one in detail. So before going ahead, थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि speaking test conduct कैसे होता है, क्या क्या रहता है, उसका criteria क्या रहता है. And first important चीज़ है कि जो speaking test होता है आपका, वो recorded होता है. Like जब आप exam देने जाते हो तो starting में क्या होता है कि पहले आपको बोला जाता है कि आप जितना भी आपका टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका 3 o'clock इन द इवनिंग टेस्ट है, स्पीकिंग मॉड्यूल है आपका, टेस्ट है आज, तो आपको क्या करना है, उससे पहले पहुंचना होता है. वो टाइम देते हैं आपको कि आधा घंटा पहले पहुंचना रहता है. एंड उसके बाद क्या होता है, आपको 10 मिनट के लिए वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है. लाइक आप पहुँच गए एग्जामिनेशन सेंटर में, वहाँ पर आपको 10 मिनट अकेले बिठाया जाता है वेटिंग एरिया में. यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके होते हैं साथ में, जिनका टेस्ट आपके जस्ट 5 मिनट आगे या 5 मिनट बाद में होता है. सो वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद आपको जैसे कोई ना कोई एग्जामिनर फ्री होता है, आपको कॉल कर लिया जाता है एंड फिर आपको बुलाया जाता है फाइनल टेस्ट स्पीकिंग के लिए. तो स्पीकिंग की जो ड्यूरेशन है हमने डिस्कस करी थी, इट इज़ फ्रॉम 11 to 14 मिनट्स. इतना ही लंबा टेस्ट होता है. एंड जितना ईजी है स्पीकिंग, उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है. बिक�ज जिनका भी क्राइटीरिया रहता है कि 777-8 लेना है, जिनकी बैंड रिक्वायरमेंट है कि 8-6 लेना है, तो इट मीन्स कि आपको स्पीकिंग में मिनिमम 6 चाहिए फॉर एकेडमिक, इट मीन्स एंड मिनिमम 7 चाहिए आपको फॉर योर जनरल टेस्ट, जनरल ट्रेनिंग आइल्स के लिए. तो अच्छा, तो अभी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं. आफ्टर एंट्रिंग, जब आप एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर होते हैं. तो अभी एग्जामिनर, पहले क्या होता था कि क्लोज रूम में एग्जामिनर बैठे होते थे एंड देयर वर यू नो एसी ऑन एंड ऑल दैट. बट अभी के सिचुएशन जो COVID-19 है उसको देखते हुए क्या हो रहा है कि वेंटिलेशन है प्रॉपर रूम्स में एंड सेम है, एग्जामिनर हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं. पीपी वेयर करने के लिए आपको भी कहा जाता है कि आप वेयर करके आए हैं अपने, एंड एग्जामिनर्स ने भी प्रॉपर जो पीपीज हैं वो वेयर किए होते हैं. ओके, सो स्टार्ट करने के पहले जो टेस्ट होता है, फिर वो आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अपना नाम, अब उनका एक आईडी रहता है, आईडी कोड रहता है, वो मेंशन करते हैं. देन वो मेंशन करते हैं कि आज का जो स्पीकिंग टेस्ट है उसका डेट एंड टाइमिंग एंड प्लेस वो भी आपको मेंशन करते हैं. एंड देन वो आपको बताते भी हैं कि जो आज का टेस्ट है वो रिकॉर्ड होने जा रहा है. यस, स्पीकिंग का जो टेस्ट है आपको रिकॉर्ड होता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मतलब अपना रिवीजन कराना चाहते हैं रिजल्ट का, फॉर एग्जांपल उनका 6 आया है स्पीकिंग में एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स, अगर उनको लगता है कि उनका टेस्ट अच्छा गया था कंपैरेटिवली देयर रिजल्ट, तो वो क्या करते हैं, उसके रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हैं. सो जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी, वही आपकी हेल्प करती है. उसी रिकॉर्डिंग को दोबारा रिवाइज किया जाता है, उसी के बेस पे जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, जो रिवाइज रिजल्ट होता है वो आता है. तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग दूसरे एग्जामिनर चेक करते हैं, अभी जो फर्स्ट एग्जामिनर आपका टेस्ट लिया था, वो आपकी जो रिविजन है, आपके जो रिव्यू है आपकी स्पीकिंग का, वो नहीं करते हैं, कोई अदर एग्जामिनर करते हैं. तो जो अदर एग्जामिनर आपका रिव्यू करते हैं, उनको लगता है कि आप बेटर बैंड स्कोर डिजर्व करते हो, तो आपका स्कोर जो है इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज आपका स्कोर सेम रह जाता है. एंड येस, अगर आप रिवेल्यूशन के लिए कर रहे हो फाइल, तो क्या होता है कि अगर आपका स्कोर चेंज होता है तो आपकी सारी की जो फीस है वो रिफंड हो जाती है. एंड रिवेल्यूशन प्रोसीजर क्या है, कैसे फिल करते हैं, क्या फीस है, वो हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम फोकस करते होंगे स्पीकिंग के ऊपर. तो स्पीकिंग टेस्ट स्टार्ट होता है, आप बैठ जाते हैं, बीच में टेबल होता है, सामने आपके एग्जामिनर है, उस टेबल के ऊपर पेन, पेपर, ब्लैंक जो क्यू कार्ड में प्रोवाइड किया जाना है वो सब रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट पेन पेपर बेस्ड आइल्स जो स्टूडेंट अपेयर करते हैं और जिनका स्पीकिंग जो है लाइव, मतलब सामने एग्जामिनर बैठा है और आप भी सामने बैठे हैं, मैं स्पीकिंग की बात करती हूँ. बिकॉज नाउ डेज देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पीकिंग टेस्ट. एक है वीडियो के थ्रू भी अभी जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, मोस्टली जो बच्चे सीधी आइल्स के लिए अपेयर करते हैं उनका वीडियो के थ्रू ही होता है जो स्पीकिंग टेस्ट होता है. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के अगर सामने बैठ के वाला जो टेस्ट है, आप जा रहे हैं, एग्जामिनर आपके सामने बैठा है एंड आप उनके साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं, अपना स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हो. ओके, एग्जामिनर को प्लेस, नेम सब बता देंगे एंड वो बताएंगे कि रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, जा रही है, एंड रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं. उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है. एंड फॉर स्पीकिंग, डोंट वेट के स्पीकिंग इज ऑल अबाउट कि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है तभी से आपका जो है टेस्ट स्टार्ट होता है. द टाइम व्हेन यू एंटर्ड इन द रूम, आप जिस वे में एंटर करते हैं, जब लोग ग्रीट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपने उस दिन आप कैसे लग रहे हैं, आपके चेहरे पे मतलब थके हुए लग रहे हैं या कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं. ओके, सो अभी आपका स्पीकिंग पार्ट 1 शुरू हो जाएगा. एग्जाम्पल, आस्क योर फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट,
फिर आपको वो फुल नेम बताना है आपका. ऐसे नहीं कि एग्जामिनर ने आस्क किया व्हाट्स योर फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और आपने कहा जस्मीन. सो ऐसा नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड, कंप्लीट नेम एंड कंप्लीट सेंटेंस. लाइक माय फुल नेम अकॉर्डिंग टू माय पासपोर्ट इज जस्मीन कौर. तो जो भी आपका नेम है वो आपको पूरा बताना है पूरे सेंटेंस में. आईएलटीएस में स्पीकिंग में कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई सिंगल वर्ड में आपको आंसर नहीं देना है. आपका हर आंसर एक सेंटेंस में होना चाहिए. ओके, सो आपका नाम हो गया. फिर आपसे पूछते हैं कि आर यू वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं पर, या फिर आप स्टूडेंट हैं. तो अगर आपने बोल दिया कि आप स्टूडेंट हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे 4 to 5 क्वेश्चन. लाइक आप क्या स्टडी कर रहे हैं, कहाँ स्टडी कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी स्टडी को, या फिर आपको बोरिंग नहीं लगता क्या स्टडी. इस तरह के क्वेश्चन जो स्टडी रिलेटेड हैं आपसे पूछे जाएंगे. अगर आपने कह दिया कि आप वर्क करते हैं, आप जॉब करते हैं, देन दे विल आस्क कि ओके विच काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, कहाँ आप जॉब करते हैं, आप इसको इंजॉय करते हैं, आपको लगता है कि आपकी वर्क प्लेस भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, या फिर आप खुश हैं अपने जॉब से, या आपको क्या इंस्पायर करता है वर्क प्लेस में. सो ऑल दैट. तो फिर वो आपके वर्क रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. देन उसके बाद आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक अबाउट योर फैमिली, अबाउट फ्रेंड्स, जनरल टॉपिक, वेरी जनरल टॉपिक. और योर एंड स्पीकिंग पार्ट वन इज ऑल अबाउट यू. इसमें यही होगा आपको क्या पसंद है, आपकी क्या राय है, एवरीथिंग ऑल अबाउट यू. व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग. ओके, सो वी विल टेक एन एग्जांपल. अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तो ऐसे नहीं कह देना है रेड, ब्लैक, ब्लू. नो, आपका जो फेवरेट कलर को सेंटेंस में बोलिए. ओके, आई लव रेड कलर. देन एड इंफॉर्मेशन, बिकॉज जो स्पीकिंग पार्ट वन है उसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस में डायरेक्ट आंसर दे देना है एग्जामिनर के क्वेश्चन का. वेट नहीं करना है, लंबा नहीं खींचना आंसर को. फर्स्ट सेंटेंस में आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए. आई लव रेड कलर और रेड इज माई फेवरेट कलर. देन एड इन्फॉर्मेशन, विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे जस्टिफाई हो जाए आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो भी आपने फर्स्ट आंसर दिया है. ओके, सो कलर वाले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. रेड कलर इज माई फेवरेट वन. And you can add that I'm having a lot of dresses which are of red color, and even I'm having a car which is of red color. I'm, you know, obsessed about red color because I think red color is more energetic and it fills me with, you know, enthusiasm, and I feel crazy when I feel that red color is around me. So red is my favorite one. एक तो ये trick है. Otherwise मैं कहूँगी कि आपने जो भी मीन्स आपने आंसर देना है, नॉट ओनली वट कलर, आपका कुछ भी फेवरेट फूड के बारे में पूछा जा रहा है, आपके व्हाट्स योर फेवरेट फूड, ओके, ट्रैवल के बारे में पूछा जा रहा है, आपके कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, ओके, आपकी पर्सनल यू नो कोई लाइकिंग के बारे में पूछा जा रहा है, आप कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, आपके स्कूल के बारे में, जो भी आपसे पूछा जा रहा है आपको फर्स्ट सेंटेंस में डायरेक्ट आंसर दे देना है उसका. देन उसमें आपको 3 to 4 सेंटेंसेस ऐड करने हैं जिससे आपका जो फर्स्ट सेंटेंस आपने दिया है वो जस्टिफाई हो जाए, वो रियल लगे आंसर्स. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आईएएस में, देखिए बहुत सारे जो राइटिंग के टॉपिक्स होंगे या स्पीकिंग के टॉपिक्स होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी ने हर तरह का जो एक्सपीरियंस है लिया, बिकॉज स्पीकिंग इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. वो आपसे आस्क करते हैं, आप बताइए, कोई आपके चाइल्डहुड का इंसिडेंस बताइए, कोई पास्ट का इंसिडेंस बताइए, कोई फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, आप कहाँ घूमना चाहते हैं, किन के साथ जाना चाहते हैं कहीं पर अपने, ओके तो किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, उस दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं. या फिर प्रेजेंट के बारे में भी हो सकता है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, फेवरेट एक्टर कौन है एट प्रेजेंट. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ऑल अबाउट यू, स्पीकिंग इज ऑल अबाउट यू एंड योर थॉट्स. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो. समटाइम्स ओके, दे विल आस्क यू व्हाट्स योर फेवरेट फिल्म और फेवरेट फिल्म डायरेक्टर. तो ऐसा नहीं है कि आपको नाम नहीं पता है, आप सोचने बैठ जाएंगे. स्पीकिंग में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रुथ बोलना है, आपको आंसर्स देने हैं कॉन्फिडेंटली. अगर आपको नाम नहीं भी पता है तो आप अपने किसी फ्रेंड का नाम ले लीजिए. अगर आपने कहीं सुन रखा है किसी फिल्म डायरेक्टर का नाम, देन इट इज़ ओके. अदरवाइज आप अपना ही नाम ले दीजिए, अपने किसी दोस्त का नाम ले दीजिए. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वो जाके चेक नहीं करने वाले हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. डाटा इज़ जो भी है आपका, वैलिड हो ना हो, बट लॉजिकल आंसर्स होने चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए. That's all what is required in speaking test. Okay, so speaking one जो है उसमें हमेशा ही आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर देना है, कोई नहीं घुमाना है, दैट ऐसे हाँ ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है, फोकस रहना है. कोहरेंस एंड कोहेजन आपके थ्रू आउट आंसर जो आपके होनी चाहिए. ओके, इफ दे आर आस्किंग अबाउट योर फेवरेट कलर, सो
ऐसे नहीं घूमने जाना है कि ओके लॉट देर आर मैनी पीपल हु हैव देयर फेवरेट कलर्स एंड वन मैनी ऑफ देम आर हैविंग वन फेवरेट कलर एंड आई ऑल्सो हैव रेड कलर एंड रेड कलर इज़ माई फेवरेट वन एंड आई एम हैविंग अ कार विच इज़ ऑफ रेड कलर एंड दैट कार इज़ मेड अप ऑफ उसके ब्रांड के बारे में बोलने लग जाए वो ब्रांड बहुत फेमस है वो ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है एंड उस ब्रांड कब शुरू हुआ था उस ब्रांड की कितनी कार्स बिकी हैं तो ऐसे ऑफ द ट्रैक नहीं चले जाना कि जो आपने टॉपिक शुरू किया उसी पर स्टिक रहना है कलर है तो आपको कलर पर ही स्टिक रहना है मीन्स एक सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए कि आपके हर सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए रेड इज़ माई फेवरेट कलर आई एम हैविंग लॉट ऑफ ड्रेस विच ऑफ रेड कलर सो रेड 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 तो एवरी सेंटेंस में आपके रेड कलर होना चाहिए इससे कि आप कभी भटकेंगे नहीं ऐसा नहीं कि आंसर कुछ और स्टार्ट हुआ था और आप कहीं और ही टॉपिक में पहुँच गए ऐसे नहीं करना है स्टे फोकस जो पूछा गया उसी का आंसर देना है एंड जितना एग्जामिनर आपको अलाउ करता है कई बार होता है कि एग्जामिनर आपको स्टॉप कर देता है जस्ट 2-3 सेंटेंस में तो अपने पहले सेंटेंस में आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करनी है ओके तो ये तो हो गया पार्ट वन के बारे में तो फिर अगर ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको अलाउ नहीं मतलब वो वेट कर रहे हैं आपको क्वेश्चन बोल के आपको लेंथियर आंसर्स देने तो आप स्टोरीज ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए आप उसमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया आपके फेवरेट कलर के बारे में अभी वो वेट कर रहे हैं और आपको बोलना ही है अकॉर्डिंग आप चुप नहीं कर सकते आपको ऐसा नहीं है कि रेड इज़ माई फेवरेट कलर एंड आई एम हैविंग लॉट ऑफ ड्रेसेस विच आर ऑफ रेड कलर बिकॉज दैट्स माई फेवरेट वन एंड बस आप चुप करते हैं कि अभी एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा आपको वेट नहीं करना जब तक वो आपको नहीं रोकते हैं आपको कंटिन्यूसली बोलते जाना है फिर आपको चाइल्डहुड स्टोरी ऐड कर सकते हैं दैट येस आई विविडली रिमेंबर दैट इन माई चाइल्डहुड आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर रेड कलर ड्रेसेस विच आर ऑफ रेड कलर एंड इवन आई हैव सीन माई यू नो बर्थडे पिक्चर्स एंड इवन माई मदर टोल्ड मी दैट इन माई चाइल्डहुड आई ऑलवेज यू नो चोज कलर्स विच चोज इवन टॉयज विच आर ऑफ रेड कलर मीन्स आपको ऐसे दिखाना है कि रेड जो आपने आंसर बोला है ना उसमें आपको मतलब लगना चाहिए कि यस इट्स रियलिटी हाउएवर इट मे यू नो बी ट्रूथ और नॉट इट माइट और माइट नॉट बी ट्रूथ बट आपको उसको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है तो अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है सोचने बैठ जाते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन बोल के हट भी जाते हैं चुप भी कर जाते हैं वो वेट करते रहते हैं कि अभी हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो क्या है सोचते बहुत स्लो हैं एंड फिर रिस्पॉन्ड जब करना होता है तो थोड़े से नर्वसनेस होती है एग्जाम के एंड ऑल दैट तो उनके जो आंसर्स हैं वो लेट होते हैं तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इससे या फिर एग्जामिनर ये भी समझ सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं आप उसको इंटरप्रेट करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है आपको क्या करना है थिंक फास्ट स्पीक ऑन नॉर्मल पेस नॉट वेरी फास्ट अगर स्पीकिंग में आपको हिचकिचाहट होती है आप घबराते हैं आपको लगता है कि आपके आंसर्स आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सिंपल मंत्र है कि आप अपनी जो स्पीड है पेस है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे आपके आपको आइडियाज़ आने लग जाएंगे बट थिंक फास्ट ऐसे नहीं कि सोचना स्लो कर देना है एग्जामिनर ने जैसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए ओके तो क्वेश्चन इज़ कलर ओके माई फेवरेट कलर इज़ रेड आई हैव मेनी ड्रेसेस विच आर ऑफ रेड कलर सो पेस हल्का सा स्लो कर लीजिए बट आपने जो पेस पकड़ा है फिर आपको थ्रू आउट स्पीकिंग वही पेस रखना है ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग पार्ट वन में आपकी पेस एकदम स्लो है एंड स्पीकिंग पार्ट टू में आप एकदम फास्ट 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 बोले जा रहे हैं तो इट विल शो नर्वसनेस अगेन पेस आपको नॉर्मल रखना है थ्रू आउट योर स्पीकिंग टेस्ट स्टार्टिंग टू एंड फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस टू लास्ट सेंटेंस एंड इंटोनेशन शुड बी देयर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं यू नो क्रैम करके चले जाते हैं आंसर्स उनके सामने कुछ बुकलेट्स प्रोवाइडेड हैं मार्केट में कुछ है लाइक कलर की एग्जांपल ले लेते हैं उन्होंने पढ़ लिया उसको रट लिया एंड देखिए रटने के कोई मार्क्स नहीं है आज रटना इज़ नॉट अबाउट मीन्स आप एक्सप्रेस करना है अपने बीच में आप अपने आप को समझ लीजिए आप स्टोरी टेलर हैं आपको स्टोरी को इंटरेस्टिंग वे में सुनाना है अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है इंटरेस्टिंग वे में नहीं है उसमें इंटोनेशन नहीं है तो एग्जामिनर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज फिर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके हाई पॉइंट्स हो रहे हैं दैट्स ऑल या तो ट्रुथ लगना चाहिए एकदम मीन्स इन आपके आंसर्स में जान होनी चाहिए ऐसे नहीं कि ओके आपने रट लिया आंसर अभी आप पहुँची हैं आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट्स योर फेवरेट कलर ऐसा नहीं जैसे बुक में पढ़ते हैं माई फेवरेट कलर इज रेड एंड आई हैव मैनी ड्रेसेस विच आर ऑफ रेड कलर ऐसे सेम पेस में नहीं सेम टोन में नहीं बोलते जाना है उसमें आपको इंटोनेशन होनी चाहिए वेरिएशन होनी चाहिए जैसे बोलते हैं ना कहीं फेवरेट वर्ड आ गया
आई लव रेड कलर. तो लव की जो मीन्स ऐसे हाइप होना चाहिए आपको, मतलब फील होना चाहिए सामने वाले को कि यस इट इज हिज और हर फेवरेट कलर. आपकी जो इंटोनेशन है, इंटोनेशन आई मीन टू से फीलिंग, आपके आंसर में फीलिंग और रियलिटी शो होनी चाहिए. हाउएवर रियलिटी हो या ना, भले ही आपको रेड पसंद नहीं है, ये जो भी आपके माइंड में ऑन द स्पॉट, आपको वेट नहीं करने लग रहा है तो अभी सोच लीजिए कि आपका फेवरेट क्या है. नहीं फेवरेट कुछ पता है आपका क्या है, फूड क्या है नहीं पता, जो भी आपने आज ब्रेकफास्ट में खाया, कल खाया, जो भी आपको याद है वो आपको बोल देना. यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी पूछा जाता है कि फूड के बारे में. तो अभी क्या है, बहुत सारी जो फूड है वो इंटरनेशनली पॉपुलर नहीं है, या इवन आपको भी नहीं पता होंगे अगर कोई मीन्स किसी अदर कंट्री में, किसी यू नो वर्ल्ड के किसी पार्ट में कोई अलग इस तरह की डिशेज होंगी जिसके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे यार, आपको पता भी नहीं होगा कैसे बनती हैं. अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके फेवरेट फूड का, अभी आप वहाँ पर जाके बोल रहे हैं माई फेवरेट फूड इज़, आपने कोई भी एग्जाम्पल ले ली. ओके फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया ओके योर फेवरेट फूड इज़ सरसों का साग. अभी आप ऐसे स्टॉप मत कर जाइए कि सरसों का साग एंड ऑल, देन ऐड इंफॉर्मेशन दैट सरसों का साग इज अ डिश विच इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन इन पंजाब एंड इट इज़ मेड अप ऑफ. फिर आपको बताना है कि वो किससे बनता है. ओके लीव्स होते हैं इसमें, स्पिनिच डलती है. ओके इट इज़ मेड अप ऑफ स्पिनिच एंड ऑल, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए ताकि अगर एग्जामिनर को वो डिश का नाम नहीं भी पता है, एग्जाम्पल ऑफ सरसों का साग, बट कोई और एग्जाम्पल आपको कोई और डिश फेवरेट है, आपका डोसा फेवरेट है, कुछ भी है, तो मान लीजिए, हमेशा ही मान के चलिए माइंड में अपने कि एग्जामिनर इज नॉट फ्रॉम योर प्लेस, उसको कुछ आइडिया नहीं है आपके प्लेस के बारे में. आप जो भी वर्ड बोलोगे, आप जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहे हो, उसको कोई आइडिया नहीं है. बट आप इस वे में 3 to 4 सेंटेंस में आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि आपको फर्स्ट चीज़ आपका नाम, जो भी आपको पसंद है चीज़ उस चीज़ का नाम, बिल्कुल ऐसे फीलिंग के साथ, इंटोनेशन के साथ कि ओके आप रियली फेवरेट है वो चीज़ आपकी. देन जो आप इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो ऐसे करनी है कि किसी कोई मतलब फॉरनर है जिसको कुछ आइडिया भी नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन आपने उसको समझा दिया है, आपने उसको बता दिया है कि ये चीज़ है. ओके तो सरसों का साग नाम लेने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि क्या क्या होता क्या है एग्जैक्टली, कि लीव से बनी हुई डिश है, वेजिटेबल है, सॉल्टी है, किसे इसको लेते हैं एंड ऑल दैट. एक दो एक सेंटेंस या दो सेंटेंस आपको ऐड करने हैं. देन आपने कहना है कि आप कुछ और ऐड कर सकते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या वो कब से पसंद है. ओके एंड उसके आप बेनिफिट्स बता सकते हैं कि हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, किन किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है, तो ऑल दैट चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं. इस तरह से आंसर देने हैं. ओके सो कोई भी फॉरन वर्ड ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर देना है कि मान लो कि कोई डिश है जिसके बारे में, या फिर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ओके अटायर के बारे में पूछ लिया गया. ओके या वेडिंग के बारे में पूछ लिया गया कि आपके एरिया में यू नो वेडिंग कैसे होती है, क्या लोग गिफ्ट्स देते हैं. अब जो गिफ्ट्स देते हैं आपके एरिया में वेडिंग में, ज़रूरी नहीं है कि वो गिफ्ट्स कॉमन हो सकता है एग्जामिनर को उसका कोई आइडिया ही ना हो, तो आपको उसमें ऐड इन्फॉर्मेशन और जोड़ देनी है, बता देना है. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बात कर रहे हैं कि क्या गिफ्ट किया जाता है. ओके सो आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं लाइक कार्ड्स ऐड किए जा रहे हैं, तो आप कार्ड्स में भी इन्फॉर्मेशन ऐड करिए कि कार्ड जिसके ऊपर उनकी फोटोग्राफ होती है, या जो गिफ्ट कर रहे हैं उनके साथ उनकी फोटोग्राफ्स होती हैं. तो ऑलवेज ऐड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, डायरेक्ट आंसर देन ऐड इन्फॉर्मेशन, दैट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग पार्ट. तो इतना ही आपको करना है. स्पीकिंग इज़ वेरी इजी बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी आपको उतना ही फोकस करना है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, राइटिंग के लिए चिंतित रहते हैं कि मुझे पता नहीं है क्या अटैम्प्ट करना है, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड ऑल दैट. स्पीकिंग को वो इग्नोर कर देते हैं, स्पीकिंग है चलो ये तो बहुत ईजी है कर लेंगे. बट जब फिर उनका बैंड स्कोर स्पीकिंग में ही कम हो जाता है, हाफ बैंड स्कोर, तो फिर देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरे फर्स्ट में तो किसी का कुछ क्लियर होता नहीं है. ये थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए. देखिए अगर आप प्रिपरेशन करके फर्स्ट टाइम ही आप चलते हैं अच्छी प्रिपरेशन करके, तो वाई नॉट आपका फर्स्ट टाइम में स्कोर अच्छा आ सकता है, जो आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर आप ले सकते हैं. ओके बट अगर आप सोचे जा रहे हैं कि नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट है इसमें तो होना नहीं है, सेकंड अटैम्प्ट में होगा एंड ऑल दैट, अगर आप वैसे थॉट्स लेके चलेंगे ना तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं. क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, आपका स्कोर नहीं आया. जो सेकंड अटैम्प्ट होती है ना, आप में उतना करेज, उतना पैशन और उतना वो एनर्जी रहती नहीं है. अच्छा मान लो कि सेकंड में भी आपका नहीं है, तो थर्ड में जो आप अपेयर होते हैं ना, तब डरे होते हैं. एग्जाम में भी कितनी भी प्रिपरेशन हो, फिर भी आपके अंदर एक डर रहता है. वाई? क्योंकि आप दो बार गिर चुके हैं, आपने दो बार चोट खा ली है. तो इसीलिए पहले ही इतना प्रिपेयर होके जाइए, माइंड में लेके जाइए मैंने प्रिपेयर किया है और मेरा होगा, और प्रिपेयर उस वे में करिए कि आपका हो.
ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट के, सोच लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट है हो ही जाना मेरा, ऐसे सोचने से भी उसके लिए करिए भी, सोचिए भी, देन ओनली स्पीकिंग इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इसमें कुछ नहीं है, आपको स्टोरी टेलर बनना है बट विद इंटोनेशन एंड गुड इंग्लिश मीन्स गुड ग्रामर, कोहेरेंस एंड कोहिजन, फोकस्ड एट योर आंसर, ऐसा नहीं है कि भटक जाना है आंसर से। एंड वोकैब, वोकैब के लिए मैं ये बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लेने हैं। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी आपसे डिश पूछ ली गई है, ओके डिश पूछ ली गई है तो आपने बता दिया नाम कि आपकी फेवरेट क्या है, उसके बाद आपको साइंटिफिक वर्ड्स या ऐसे यू नो ऐड नहीं करने लगे। अगर आपको पता है, आपको यू नो नॉलेज है, आप साइंस पढ़ते हैं, उसकी कोई साइंटिफिक टर्म है या फिर उसका कोई आपको साइंटिफिक नेम पता है, उसका कोई ब्रांड्स को उसको वोकैब नहीं काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट आप उसको यू नो आपकी जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उसको यूज़ करते जा रहे हैं, आप सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छी वोकैब यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा ब्रांड्स को मिलेगा। नो, द ओनली थिंग इज कि स्पीकिंग है, एग्जामिनर ने आपको क्लू दिया है, अगर एग्जामिनर तक जो भी आपने कन्वे किया है पहुंच गया है, एग्जामिनर को पता चल गया है ओके दिस इज माय क्वेश्चन एंड स्टूडेंट का ये आंसर है, इट मींस योर स्पीकिंग इज सक्सेसफुल, दैट्स ऑल। मैसेज देना है आपने, जो आपको क्लू पास हुआ है, आपको मिला है एग्जामिनर से, उसको फ्रेम करके गुड क्वेश्चन, गुड आंसर, गुड सेंटेंसेस में, तो आपने अगर उसको कन्वे करने में सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपका स्पीकिंग में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। यस, स्पीकिंग पार्ट 1, 2, 3 तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। अगेन, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 है, इंट्रो क्वेश्चंस हैं, ठीक है नहीं भी अच्छा गया तो मैं क्यू कार्ड बहुत अच्छा बोल दूंगा या फिर पार्ट 3 अच्छा बोल दूंगा। देखिए, जो स्टार्टिंग होती है वो आपका मोरल एकदम अप कर दीजिए। अगर आपका इंट्रो क्वेश्चन बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं विद कॉन्फिडेंस, एंड यस, अगर आप क्वेश्चन बहुत यू नो क्वेश्चन का आंसर है हैप्पीनेस मीन्स हैप्पी आंसर है, आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, आपकी फेवरेट चीज़ों के बारे में, तो आपके चेहरे पर हल्की सी यू नो स्माइल, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ी स्माइल करनी, हल्की स्माइल लगनी चाहिए, आपको लगना चाहिए मीन्स सामने वाले को देख के कि यस इट्स फेवरेट, इट्स हर फेवरेट थिंग और इट्स हिज फेवरेट थिंग। अच्छा, अभी कोई सैड चीज़ के बारे में आपसे पूछ लिया गया, तो सैड में आपका चेहरा मीन्स आपका चेहरा बताना चाहिए, मतलब ब्लिंक करना चाहिए उससे, ऐसा नहीं आप सैड चीज़ के बारे में बोल रहे हैं और आपके चेहरे के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी स्माइल। सैड चीज़ में तो हल्का सा आपकी इंटोनेशन चेंज हो जाएगी, या जो हम सैड होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लाउड बात नहीं करते हैं, तो वैसे ही अगर कोई एंग्री वाली बात हो रही है कि अच्छा आपका गुस्सा हो गया किसी पे या आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आप चीटेड फील किया एंड ऑल दैट, तो आपकी जो इंटोनेशन है वो होनी चाहिए और आपका फेस जो है आपके हल्के हल्के एक्सप्रेशन हैं वो मैच करने चाहिए, यू नो उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, सिंक करनी चाहिए आपकी जो टोन है, आपके जो आंसर्स हैं उसके साथ। Okay, that's all for today, guys, and tomorrow we will discuss that speaking part 2, which is again very important. If you feel that video is informative, hit the like button and don't forget to subscribe our channel. Stay tuned with We Are Perfect.